विश्व का नंबर वन जैन आध्यात्मिक संगठन। जैन धर्म के अनेक मंत्रों पर रिसर्च, प्रभावशाली अनेकों आचार्य भगवंतों का समय समय पर मार्गदर्शन, 5 साल के अल्पकाल में YouTube पर 1000 से ज्यादा जैन ज्योतिष वास्तु एवं हीलिंग पद्धति के सरल वीडियो, Facebook पर 1 लाख से ज्यादा परिवारों द्वारा प्रतिदिन जैन धर्म के तत्व ज्ञान अभ्यास, विभिन्न विषयों पर सिखाने वाली अनेक संस्थाएं हैं, लेकिन अनुभव कराने वाली एकमात्र संस्था जैन अनुष्ठान के साथ आज ही जुड़कर आर्थिक, मानसिक एवं सामाजिक समस्या का समाधान पाए। वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित पूज्य श्री निकुंज गुरुजी से भक्तामर हीलिंग कोर्स सीखें एवं जीवन में खुशहाली लाएं। श्री निकुंज गुरुजी की दिव्य ऊर्जा से भक्तिमय जीवन बनाएं। आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। संपर्क सूत्र 8000456779427395116। सोशल मीडिया पर 35 लाख से ज्यादा लोगों ने हमारी वीडियो देखी है और जीवन में खुशहाली प्राप्त की है, तो फिर देर किस बात की, आज ही जुड़े जैन अनुष्ठान से। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम आज एक नए विषय के साथ आज की भव्य साधना का शुभारंभ करने जा रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। और आज बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं जिसके अंदर अति भव्य रूप से हम पूरी तरह से जिनशासन निर्माण की बातें करेंगे। लंबे समय से लाइव नहीं आए थे, तो आप सभी लोगों के जो जो भी क्वेश्चन आंसर है उसका भी हम पूरी तरह से अभ्यास करेंगे। तो सभी लोग एक बार जल्दी से जल्दी जय पारसनाथ, जय आदिनाथ के साथ में बहुत सारे नए कोर्सेस लेकर के हम आप सभी के सामने उपस्थित हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप सभी की लाइफ में इतनी सारी खुशियां लेकर के आए हैं। जैन अनुष्ठान ने हजारों लोगों की लाइफ में प्रैक्टिकल रूप से एक खुशी का लहर लाया है और एक आज बम्पर जायरा 3 दिन तक हम लगातार लाइव के माध्यम से सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं, अनुभव करने वाले हैं। तो सभी सबसे पहले ग्रहों का गोचर हो रहा है, ग्रहों का गोचर बुध राशि परिवर्तन कर रहा है और आपको नंबर भी दे दिया है। बहुत सारे लोगों की आज हमने पत्रिका बना करके भी भेजना स्टार्ट कर दिया है। 2022 हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण हो, इतना लाभदायी हो कि आपने जो कल्पना की है उससे भी कई गुना ज्यादा आपको रिजल्ट देने वाला हो, यही हमारा एक विनम्र प्रयास है, यही हमारा एक छोटा सा अभ्यास है। और उस अभ्यास को लेकर के 2022 में आपके साथ क्या क्या होगा और सभी राशियों के लिए जितने भी लोग जुड़े हैं उनकी जो राशि है वो खास करके कमेंट में डालें, जिससे मैं आपको सारी राशियों की एक एक इजीली टिप्स बता सकूं और 2022 आपके लिए बहुत 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 शानदार फलीभूत हो, ऐसा हम एक विनम्र प्रयास करते हैं। तो आइए, बहुत सारे लोग जो जुड़ चुके हैं उनका तहे दिल से स्वागत करते हुए आज का महामंगलकारी नमस्कार महामंत्र पंच परमेश्वरी भगवान की स्तवना। पूरा लगभग 15 दिन की यात्रा हम लोग करके निकले हैं, खास करके दर्श जी ने मीन राशि लिखी है, दर्शना जी ने मीन राशि लिखी है, कुणाल जी आज के सबसे पहले हमारे खास करके मकर राशि है, मकर राशि उनके फैमिली मेंबर्स के बारे में खास करके उन्होंने लिखा है। तो पहले कमेंट वाले के लिए खास करके आपको ये आप चाहते हो कि बुध का जो राशि परिवर्तन है आपके लिए बहुत 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 लाभदायक, क्योंकि बुद्धि का कारक है, जिसके अंदर बुद्धि है वह इस धरती के अंदर राजा, इस धरती के ऊपर सुपर सक्सेसफुल इंसान माना गया है। तो कि बुध की प्रभाव की बात करें तो कुछ खास करके प्रकृति के साथ, प्रकृति के ग्रहों के साथ ये विराजमान है। बुध की संगत यदि आपकी पत्रिका में अच्छी जगह पर है तो आपको विशेष लाभ, अच्छे परिणाम। और बुध यदि कोई आपकी कुंडली में गलत भाव में बैठा हुआ है, गलत पाप ग्रहों के साथ में है, तो ये आपको नकारात्मक परिणाम मिलेगा। तो इस खास करके 14 जनवरी शाम को 5 बजे से यदि आपकी कुंडली में बहुत वीकनेस है, हेल्थ के प्रॉब्लम चल रहे हैं, बोलते कुछ और हो, फैमिली वाले कुछ अलग नेगेटिव उसको वाक्य बना लेते हैं, बहुत नेगेटिव घटना, तो 14 तारीख से बुद्धि के कारक ऐसे बुध ग्रह वक्री हो रही है, जो वक्री हो रहे हैं 4 फरवरी तक वो रहेंगे। तो सबसे पहले हमारे उनके लिए मकर राशि के जितने भी जातक हैं, यदि आप चाहते हो कि सुपर 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 हो जाए, तो आप खास करके बुध ग्रह 6ठे और 9ठे हाउस में लोड होकर के आपकी राशि में वक्री हो रहे हैं।
तो उसका लाभ क्या मिलेगा? आपको कुछ मामले में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं और अपनी अपनी राशियां लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पर्सनल लाइफ की चीजों में बदलाव आएगा, आपके जीवन में कुछ लोगों की अहमियत बढ़ जाएगी, अचानक कोई गुरु आ जाएगा, कोई अच्छा फ्रेंड आ जाएगा और उसके मार्गदर्शन से आप जिएंगे, तो आपको बहुत बहुत बहुत। और करियर का मार्ग, यदि आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, नया बिजनेस करना चाहते हैं, वो खास करके आपका करियर पूरी तरह से बदलेगा और ये सब कुछ बनने का एक सुनहरा मौका, आप जो कई समय से ढूंढ रहे थे, तो वो आपको प्राप्त होगा। आप कभी भी बनाना चाहते थे, जो एक आपने सोच के रखा था कि मुझे ये बनना है, तो वो स्वर्णिम समय आपके लिए आ चुका है। तो खास करके मकर राशि वाले जितने भी लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग कमेंट में अपनी अपनी राशि मकर राशि लिख रहे हैं, उन सभी के लिए रोमांटिक जीवन के अंदर आपको भरपूर आनंदमय जीवन, भक्तामर रिलिंग का एक शॉर्ट फॉर्म यदि देखा जाए तो कि आनंदमय जीवन, तो कि वो आनंदमय जीवन का शुभारंभ होगा। व्यावसायिक रूप से आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की आवश्यकता है। यदि शेयर सट्टा का आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिल्कुल 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 आप जो है लिमिट के अंदर आप रहिए, ओवर कॉन्फिडेंस ना करें, क्योंकि ये समय आपके लिए 4 फरवरी तक समय अनुकूल नहीं है। और व्यावसायिक सौदेबाजी करते हुए किसी से बातचीत करते हैं, बहुत सारी एक इम्पोर्टेंट आपको मैं बात बताना चाहूंगा। हमने सबसे पहले मकर राशि लिए क्योंकि मकर राशि वाले सब लोग जमाजम कमेंट डाल रहे हैं, तो फोन के ऊपर फोन टैपिंग हो सकते हैं, फोन रिकॉर्डिंग हो सकते हैं, और उस फोन रिकॉर्डिंग से आपको प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो विनम्रता युक्त जीवन, मकर राशि वाले जितने भी लोग व्यवहार के अंदर संयम रखेंगे, तो खास करके आपको बेहद 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 आपको लाभ होगा। यहाँ पर डिस्प्ले में दोनों आपके नंबर्स दिख रहे हैं, फटाफट उस नंबरों के ऊपर आप आपकी जन्म पत्रिका बुक करा सकते हैं, हमारा भक्तामर रीलिंग बुक करा सकते हैं। क्या करेंगे मकर राशि वाले लोग, तो कि मकर राशि वाले सभी लोग खास करके आपको करना है बुधवार को एकासना अयम्बेल करना है, नौकार से चोबियार करना है, ओम रीम श्रीम अरहम श्री विमलनाथ स्वामी ने नमः, ज्यादा से ज्यादा आपको ओम रीम श्रीम अरहम श्री विमलनाथ स्वामी ने नमः की मंत्र जाप आराधना करनी है। और ये मंत्र जाप आराधना आपको इतना लाभ करेगी कि पूरा समय जो आपने सोचा है, जाना है, जो आपने प्लानिंग किया है, उसमें बेहद 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 आपको लाभ कराएंगे। खास करके मकर राशि वाले जितने भी जातक हैं, 7 मुखी रुद्राक्ष या 14 मुखी रुद्राक्ष महोत्सव 15 तारीख से चल रहा है, एवरी डे मैं आपके सामने आने वाला हूँ, नए नए विषयों को, नई नई साधना को ऐसी आपको सिखाने वाला हूँ कि आपकी जिंदगी में पूरी दुनिया टेंशन में हो, पूरी दुनिया तनाव में हो, लेकिन आपकी सचडाट, और वो हमने देखा है, मैंने 15 दिनों के अंदर बम्बई, तलेगांव, कोल्हापुर, पूना, सतारा, नवसारी, सूरत, जिन जिन लोगों के घर में गया हूँ, जो घर के अंदर भक्तामर हिलर है, जो घर के अंदर जैन अनुष्ठान के समर्पित साधक लोग रहते हैं, खास करके आज आपको मैं एक बहुत छोटी सी रिसर्च के बाद 15 दिन के अंदर करीबन 200 घरों में जाकर के लोगों का जो मंदिर देखा है, जो मैं आपको टेम्पल थेरापी सिखाने वाला हूँ, लोगों की घरों की जो ऊर्जा महसूस की है, लोगों का जो बिहेवियर देखा है, माता और बेटे के बीच में जो आनंद की परिभाषा देखी है, पिता और पुत्र के बीच में जो मधुरता देखी है, कई कई वर्षों तक के जो समय काम रुके हुए थे, ये भक्तामर हीलिंग से कैसे जो पूरा हुआ है, तो एक ही मैं आपको लाइन बताना चाहता हूं कि खुद को भक्तांबर की कृपा के योग्य बनाइए। जो भी लोग अभी मुझे लाइव देख रहे हैं, जमकर सारे वीडियो को शेयर कर रहे हैं, इंदु जी, नीरू पटेल, सभी का बहुत 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 कोटि कोटि प्रणाम। तो पहला वाक्य, उज्जवल भविष्य 2022 का किसका होगा, तो कि खुद को भक्तामर कृपा के योग्य बनाइए। खास करके जो भी लोग योग्य बन जाते हैं, जो भी जैन धर्म के नीति नियमों को पालन करता है, आदिनाथ भगवान के भक्त बन जाता है, उनको कभी भी असफलता, चिंता, गरीबी सताती नहीं है। मैं ऐसे ऐसे भक्तामर ऐसे छोटे छोटे झोपड़े के अंदर में गया हूँ, ऐसे कोने के अंदर ऐसी भयंकर गंदगी हो और उस गंदगी के ऊपर दूसरा माला, तीसरा माला के घर हो, पूरा बिल्डिंग खाली हो चुका हूँ, लेकिन उसके ऊपर रहने वाला भक्तामर हिलर भी इतना मुस्कान के साथ में उन्होंने हमारा स्वागत किया, बहुमान किया, और उनकी आध्यात्मिक साधना की जब बात की, तब लगता है कि भक्तामर हीलिंग ही
हमारे लिए सर्वस्व है। ये बंबई की मैं स्वर्णिम इतिहास आपको बता रहा हूं। तो खास करके आदिनाथ भगवान की कृपा के पात्र, योग्य पात्र आप बना दीजिए। 2022 में पूरी दुनिया तनाव में रहेगी, लेकिन आप जो हैं इस धरती के सबसे आनंदित रहेंगे। उनकी सारी चीजें हो जाएगी, कोई भी आप चीज चाहते हो वो चीजें हो जाएगी, और जिससे आपको खुश जो चीज आप करना चाहते हो, जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हो, वो आदिनाथ परमात्मा की प्रभु कृपा से, भक्तामर हीलिंग के प्रभाव से। क्योंकि हमारे मंत्राचार्यों ने इसी विविध प्रयोगात्मक लगातार 2 साल से जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, प्रयोगात्मक सारी बातें बनाई हैं, जिससे अब आपके घर में पूरी तरह से प्राण प्रतिष्ठा युक्त, अभी जो आगे हमारी टेम्पल थेरापी शुरू होने वाली है, उसमें आपके घर के सारे मंदिर की फोटो, सारे जो यंत्र आप ऐसे बाजार से ला करके रख दिए, लंबे समय से ला करके रख दिया जिसका आपको पता नहीं है, तो वो सारी चीजों में प्राण प्रतिष्ठा और अद्भुत ऐसी औषधि शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, आपके पूरे घर को सुरक्षित बनाने के लिए जो जो भी करना होगा, वो सारा ग्रंथों का निचोड़ निकाल करके वो करने का हम प्रयत्न करेंगे। तो ये पारंपरिक रूप में यंत्र प्रतिष्ठा, खास करके आज का जो लाइव है बुध के बारे में मैं आपको बताऊंगा, बारह बार राशियों के बारे में, हेल्थ के लिए कल मैं आपको बताने जा रहा हूं सूर्य ग्रहण, सूर्य का अग्रोचर, सूर्य की संक्रांति, मकर संक्रांति जो बोलते हैं, उससे आप कोर्ट कचहरी, हेल्थ के प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग जो कमेंट में लिख रहे हैं कि हमें हेल्थ के प्रॉब्लम से, जो जो भी आप प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, वो सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भक्तामर हीलिंग के अंदर है, वो सारे प्रॉब्लम का मार्गदर्शन प्रभु की आज्ञा में है। क्योंकि भक्तामर यंत्र और जैन अनुष्ठान से सिद्ध की हुई सारी चीजें जिन जिन घरों में हमने देखी है, सभी की ओरा चेकिंग किया, सभी का एनर्जी लेवल देखा, सभी के साथ में 8-8 घंटे 10-10 घंटे देखकर देखा कि उनको कितनी थकान होती है, तो प्रैक्टिकल रूप से प्रूवन हुआ है कोल्हापुर में, तलेगांव में, पूना में, बंबई में, सूरत में, भारत के हर वर्ष कोने कोने के अंदर विदेशों से जो आराधक आए हैं, उनकी जो मुस्कान है, उनका जो आनंद है अप्रतिम आनंद है। क्योंकि सबसे पहले आपके जीवन के हर पहलू को भक्तामर हीलिंग खुशहालीमय बना देगा। इसकी जो ऊर्जा प्रति ग्रहणशील होने के कारण भाविक तौर से स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशी, जैसे ही आप भक्तामर हीलिंग सीखेंगे, आपके कुंडलिनी के सारे ग्रह, वास्तु के सारे ग्रह संतुलित होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब जब भी ये साधना मैं आपको कराने वाला हूं, तो विशिष्ट ऊर्जा संक्रमण, आप विश्व के कोई भी कोने में बैठे हो फिर भी आपको ऊर्जा संक्रमण का एहसास होगा, और वो ऊर्जा संक्रमण जो है वो हमें प्रभु के साथ जोड़ने का एक विशिष्ट कोटि का भक्ति प्रयास है। कितने सारे लोग फोन करके बोलते थे, मैं इतने सालों से पालीताना जाते थे, लेकिन वो भाव नहीं था जो एक बार आदिनाथ भगवान के प्रति अभी भाव जगरा है। आधा आधा घंटा, 1-1 घंटे तक हम बैठे रहते हैं और भगवान के साथ लयलीन हो जाते हैं। तो क्योंकि ऑफिस में, घर में, कहीं पर भी आप, भक्तामर पट है, रुद्राक्ष थेरापी है, और सभी चीजों का एक ही उद्देश्य है कि जो जो भी लोग परेशानियों से सामना कर रहे हैं, उन सभी की परेशानियों में से मुक्ति मिले। तो खास 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 ये साधना से जो ऊर्जा निकलती है, सबसे पहले जीवन उल्लासित हो जाता है। आप सब कुछ कर सकते हो, आप सब कुछ पा सकते हो, वो एनर्जी पावर, वो साधना आपको भक्तामर हीलिंग में से मिलेगी। और ये मेडिकल रूप से कई अलग 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 रूप से प्रमाणित हो चुका है कि जीवन में जब उल्लास आ जाता है, जीवन के अंदर जो आपको खुशियां आ जाती है, तो जीवन की हर चीज खुशमयी होने, अच्छे से काम करना। 5 चीज आपने भक्तामर हीलिंग सीख लिया, बहुत सारे लोगों को बाकी है, वो फटाफट 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 रजिस्ट्रेशन ये दोनों नंबर के ऊपर फोन करके कर दे। शरीर आपका पूरी तरह से अच्छा हो जाएगा। आप दवाइयां खा रहे, दवाइयों में से मुक्त होना चाहते हो, भक्तामर हीलिंग सर्वश्रेष्ठ नजरिया है। मन की स्थिति जो है बेमाप अमाप आनंद आनंद आनंदित हो जाएगी। आपकी आसपास की सिर्फ एक नहीं, हम एक घर में से एक एक पूरा जैन शासन भक्तामर हीलिंग में बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर एक घर में से एक व्यक्ति हमारे साथ में जुड़े, एक भी व्यक्ति आपके अड़ोस पड़ोस सब जगह पे आप नजर डालिए, एक व्यक्ति भक्तामर हीलिंग सीखता है तो उसके आसपास के सारे घर का जो वातावरण है वो पूरी तरह से आनंदित हो जाता है। आपके प्रति लोगों का यहां तक सीमित नहीं है कि आपके रोग खत्म हो गए, आपकी प्रगति हो गई, लोगों को आपको देखने का जो नजरिया है, हमने ऐसे कितने सारे भक्तामर हीलरों को देखा कि उनके हीलिंग से कई लोगों के जीवन के अंदर परिवर्तन आ गया। लोगों को आपके प्रति देखने का जो नजरिया है
वो पूरा चेंज, भाव तैसा प्रतिभाव पूरी तरह से अच्छा हो जाएगा, स्थितियां बहुत अच्छी होने लग जाएगी, उल्लास खास बढ़ जाएगा। तो मैं सभी लोगों को बहुत 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 स्वागत करता हूं। आज से बराबर 3 महीना लगातार हम ऐसा प्रयत्न करेंगे, गुरु मां चंद्रशेखर विजय महाराज जी का जन्मदिन आ रहा है, मेरा खुद का जन्मदिन आ रहा है, जो बहुत शानदार रूप से विशेष प्रकार की गुणों की प्राप्ति के लिए भक्तामृतलिंग हम सभी लोग सीखेंगे। प्रकृति ने हमें छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे सहारा दिया है, जिसमें से एक सर्वश्रेष्ठ सहारा है मंत्र साधना, उनका लाभ उठाना अच्छी बात है। जितना ज्यादा भक्ति योग में आप जाते जाइए अपनी भीतर की शक्तियों के साथ में आप आगे बढ़ते जाइए, अवश्य में आपको मंजिल मिलेगा। लेकिन आखिरी बात गुरुदेव बताते हैं कि ये साधना भी सब नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए स्वर्णिम अवसर है, अभी तुरंत फोन उठाइए और फटाफट भक्तामृतलिंग लेवल 1 लेवल 2 टेम्पल थेरापी जो भी आपका बाकी है वो सारी चीजों को सीखते हुए, आपकी कुंडली क्या कहती है, आपकी कुंडली जो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की लिंक है उसके अंदर सीधा आपका नाम के मुझे भक्तामृतलिंग सीखना है। आप सभी लोगों के लिए शिवम अस्तु सर्व जगत एक अद्भुत जन्माक्षर का कॉन्सेप्ट लेकर के भी आ रहा हूँ सभी लोगों को, खास करके 2022 सभी लोग अपनी अपनी राशि डाल रहे हैं, जिसके अंदर पहले नंबर की राशि है मेष राशि। मेष राशि वाले को क्या करना है कि अपने सारी चीजों के बारे में पहले से अधिक ध्यान देना है। आप ये जो पूरी तरह से बुध ग्रह का बुद्धि का कारक, बुध ग्रह का गोचर, क्या लाभ मिलेगा आपको, बहुत सारे लोग फटाफट लाभ ले रहे, लाभ उठा रहे, और उस लाभ के अंदर आपको मिलने वाला है पूरी तरह से आपका नौकरी में चल रहा तनाव खत्म हो जाएगा। जो भी तनाव से आप गुजर रहे हैं अब वो तनाव नहीं रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में विपक्षी आपके दुश्मन बहुत बढ़ गए हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, बिना काम का ऑफिस में आपसे काम करवा रहे हैं, तो विरोधी शत्रुओं प्रतिद्वंदी आप पर हावी होंगे, आपको ये समय खास करके संभाल के चलना है। ये बुध ग्रह का जो है पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक स्तर, आपकी जो तबीयत है सेहत है वो स्थिर रहेगी। ये पूरे समय के अंदर बुध का जो राशि परिवर्तन है, व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन सामान्य बने रहेंगे, और आपकी जो वाणी है, जितने भी मेष राशि वाले ज्यादा से ज्यादा भक्तामृत सुनाइए, क्योंकि इस समय आपको पूरी तरह से ऐसी वचन सिद्धि मिलने वाली है कि इस वचन सिद्धि आपके वाणी से कई लोगों को लाभ होने वाला है। खास करके आपको क्या करना है, आपको जब कभी भी मौका मिले 1 ग्राम केसर अपने जिन मंदिर में चढ़ाना है, और ग्रीन कलर का जो डमरा आता है, मरवा आता है, जब जब कभी भी आपको अवसर मिले, बुधवार को आप यदि पूजा करते हो तो डमरे के पुष्प की अपने हाथों से 5-10 पुष्प की माला लेकर के भगवान के आप गले में चढ़ाइए, जबरदस्त आपको लाभ होगा। आइए देखते हैं वृषभ राशि वाले, जितने भी लोग लाइव में देख रहे हैं, खास करके प्रणाम गुरु जी, दिव्या जी हैं, वर्षा जी हैं, खास करके मालती जी हैं, कैसे ज्वाइन करना है, खास करके व्हाट्सएप नंबर जो भी दिया है वहां पर आप फोन कीजिए, इसमें व्हाट्सएप की लिंक है। वृषभ राशि वाले इस जातक क्या करेंगे कि उनको खास करके नारियल चढ़ाना है, 14 जनवरी से एवरीडे 1 नारियल चढ़ाइए, रोज 1 नारियल आपको चढ़ाना है, 1 श्रीफल, क्योंकि खास करके मेहनत अधिक करने के बाद भी आपको सफलता मिलने वाली नहीं है, धैर्य रखना पड़ेगा, ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। जितने भी वृषभ राशि वाले लोग हैं तो क्या करेंगे, फैसला जल्दी लेने से बात बिगड़ जाएगी, स्लोली धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए व्यक्तिगत रूप से स्वयं को सौभाग्यशाली समझ सकते हैं, साथी के साथ मतभेद समाप्त होंगे और पति पत्नी में मधुरता बढ़ेगी, लंबे समय से विचारों का तालमेल नहीं सेट हो रहा है तो सब लोग वृषभ राशि वाले एकदम एक्टिव हो गए हैं, बहुत लाभ होने वाला है। पारिवारिक जीवन बहुत हरा नारियल, पूरा नारियल भगवान के मंदिर, विमलनाथ भगवान है, 24 तीर्थंकर भगवान है, कोई भी भगवान है, रोज भगवान की अष्टप्रकारी पूजा करो या दर्शन करो, हरा नारियल परमात्मा के खास करके भंडार के ऊपर रखना है, विशेष लाभ मिलेगा। और एक आपको बता दूं, जितने भी वृषभ राशि वाले हैं, नया गाड़ी और नया मकान लेना आप चाहते हो तो आपका लेने का श्रेष्ठ समय शुरू हो गया है, आप आराम से मकान लेंगे, लोन भी लेंगे तो फटाफट पूरी हो जाएगी। आइए
खास करके मिथुन राशि वाले बहुत सारे, कल्पना जी साहब प्रणाम गुरु जी लिख रहे हैं, क्या होगा मिथुन राशि वाले लोगों को, खास करके नौकरी के नए अवसर, व्यापारी के लिए नए सौदे, आर्थिक रूप से बहुत लाभ होने वाला है। सरकारी मुकदमों के अंदर जिनका भी कोर्ट केस चल रहा है, मिथुन राशि वाले सभी जातकों को मैं बताना चाहूंगा, तो अभी आपको राहत मिलेगी, छोटे भाई बहनों से भी आपको सफलता मिलेगी, और माता का स्नेह, मम्मी से आप बहुत समय से दूर है तो मम्मी का भी स्नेह आपको मिल सकता है। पैतृक संपत्ति, यदि कोई बंटवारा होना बाकी है, पिताजी के करोड़ों रुपया है, तो के पैतृक संपत्ति में भी आपको लाभ मिलेगा। मिथुन राशि वाले जितने भी है, घर में बातचीत करनी है, फटाफट फटाफट बात शुरू कर दीजिए। इस समय जो भी घर में निर्णय होगा वो आपके तरफेण में आएगा। आपके व्यक्तिगत जीवन में देखिए, व्यावसायिक जीवन में देखिए, तो अब आपका अच्छा समय शुरू हो गया है। खास करके मनक कुमार जी दोषी सिंह राशि लिए हो, बहुत बढ़िया। सब लोग अपनी अपनी जो जो भी राशि है वो कमेंट में डालते रहिए, एक के बाद एक, एक बाद लेते रहेंगे। तो आपका प्रमोशन भी नक्की है। आखिरी बार जो नवग्रह का जो पूरा फलादेश है, राशियों का जो फलादेश है, क्या होगा, बुद्धि के कारक बुध ग्रह 14 तारीख के बाद आपको कैसे लाभ देंगे। तो खास करके आपको क्या करना है कि हरे वस्त्र जो है वो आपको दान देने हैं, अंबेल खाते में मूंग का दान देना है। खास करके आपको कोशिश करना है कि आपको कांसे का छोटा सा एक टुकड़ा पानी में बहा देना है। अलग अलग प्रकार के जो जो भी शास्त्र है, लाल किताब के अंदर बताया है कि कांसे का गोल टुकड़ा आपको पानी में बहाना है, क्योंकि हरा पत्थर ग्रीन स्टोन भी आप रख सकते हो, ग्रीन स्टोन से भी आपको विशेष लाभ होगा। कर्क राशि, कर्क राशि के जितने भी जातक है, बराबर नोट पेन लेकर के लिखेंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी। अभी अभी हमने कर्क राशि के एक व्यक्ति की पत्रिका देखी, कमजोर हो जाओगे। ये समय में क्या करेंगे, लाल पुष्प खास करके आपको चढ़ाना है, रुद्राक्ष की माला, जो पंचमुखी रुद्राक्ष की माला है आप गले में पहनिए और उससे मंत्र जाप कीजिए, या तो उसको पूजन कक्ष में रखिए। हमारा मिशन है कि भारत के प्रत्येक जैनों के घर के अंदर 1 मार्च के दिन रुद्राक्ष की स्थापना हो, 1 करोड़ रुद्राक्ष की स्थापना पूरे विश्व भर में हो। आप सभी लोगों के डेटा मंगा रहे, सभी लोगों के संकल्प मंगा रहे, सभी लोगों के लिए एवरीडे हजारों की संख्या में से रुद्राक्ष हम भेज रहे हैं, क्योंकि रुद्राक्ष एक ऐसी दिव्य वनस्पति है, दिव्य शक्तिपात साधना है, कि पूरे घर के अंदर एक सकारात्मक दिव्यता को निर्माण करती है। आत्मविश्वास की कमी होगी, आय के स्रोत बने रहेंगे, पैसा कम आएगा खर्चा ज्यादा होगा, पैसा कम आएगा खर्चा ज्यादा होगा, बाधाएं आ सकती है, सहयोगी आपका साथ छोड़ करके चला जाएगा। कार्य क्षेत्र के अंदर मिला जुला परिणाम लेगा और आपके पारिवारिक पैसा कम आएगा, साथिया छोड़ करके चले जाएंगे, तो फैमिली लाइफ भी थोड़ी सी आपकी अनस्टेबल होगी, और परिवारजनों के साथ में भी गलत फहमी, ये करूं वो करूं, मेरा परिवार गंदा है, मेरा परिवार मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार के कारण भी आपको परिवार का सपोर्ट कम मिलेगा, परिवार के साथ गलत फहमी होगी। यात्रा, नए काम को ढूंढने के लिए आप यात्रा करेंगे, लेकिन वहां पर भी आपको पेट की समस्या आएगी, बुध ग्रह का गोचर पेट की समस्याओं को बढ़ाएगा, और खर्चा खर्चा खर्चा। तो खास करके आपको क्या करना है, पंचमुखी रुद्राक्ष मंगाइए और ओम रीम श्रीम अरहम श्री विमलनाथ स्वामी ने नमः, खास उसका जाप करो, खास उसका जाप करो। सिंह राशि वाले जितने भी जातक है क्या करेंगे, सिंह राशि वाले सभी जातक, क्योंकि सिंह राशि वाले जितने भी जातक हैं वो खास करके भक्ति उपासना के अंदर परमात्मा भक्ति अनुष्ठान करेंगे। कैसे करेंगे, क्योंकि उस अनुष्ठान के अंदर आप सभी लोगों को खास करके बुधवार के दिन आपको अपने घर के अंदर रुद्राक्ष की स्थापना करनी है, 1 मुखी या 14 मुखी, खास करके 1 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष की स्थापना करें। आपके घर में जितने भी यंत्र हैं उनको बुधवार के दिन अभिषेक करते हुए, पूजा करते हुए शुद्धिकरण करें, क्योंकि आपके अपनी जो सामान्य दिनचर्या है उनको बराबर चेंज करके नई दिनचर्या आपकी स्टार्ट होने वाली है।
आपको वडिलों से पैतृक संपत्ति मिलने का स्टार्ट हो जाएगा। कम्युनिकेशन क्षेत्र के अंदर ये समय विशेष रूप से बच्चों के लिए, स्टूडेंटों के लिए बहुत, सिंह राशि वालों के लिए बहुत, कौशल्य संचार के लिए भी, आसपास के लोगों के लिए अपनी मुरादें पूरी होगी। तो सिंह राशि वालों के लिए तो बहुत 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 अच्छा ये समय है, अच्छा ये योगदान है। और ये अच्छा ये समय, अच्छा ये योगदान के अंदर कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में भी आपको राहत मिलेगी। प्रवीण जी लिख रहे हैं कि भाई मेरे को फ्लैट लेना है, फ्लैट का योग कब है? तो आप आपकी जन्म पत्रिका व्हाट्सएप कर दीजिए, उसमें आपको पूरी तरह से यहाँ पर जो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं वहां से पत्रिका देख करके, जब कभी भी मंगल की महादशा और शनि आदि का कुंडली का अभ्यास करते हुए तुरंत आपको जरूर बताया जाएगा। 2022 की सभी लोग अपनी जन्म पत्रिका, क्योंकि समय गंवाना बहुत बड़ी मूर्खता का काम है। यदि आपके पास पैसा, यदि आपके पास सारी चीजों का अवेलेबिलिटी है लेकिन थोड़ा पुण्य कम हो रहा है, भक्तामय रिलिंग के माध्यम से, मंत्र साधना के माध्यम से, नवग्रह आदि के पूजन के माध्यम से जल्दी अपने सभी शुभ संकल्प पूर्ण कर सकते हो। तो आपको कोर्ट कचहरी में सफलता है, नौकरी में पदोन्नति है, सिंह राशि वाले को लाभ लाभ लाभ। एक लाइन में देखे तो खास करके एक ही बात है कि कठिन परिश्रम और बंपर सिद्धि क्या करेंगे, तो खास करके कोई शुभत्व चीजों को अपने पास रखें और पूरी तरह से विमलनाथ भगवान की अष्ट प्रकारी, बुधवार को एकाशना, बुधवार को आयम्बेल, बुधवार को नवकारसी चोवियार, ओम रीम श्री अरहम श्री विमलनाथ स्वामी ने नमः मंत्र जाप आराधना। कन्या राशि वाले जातक सभी लोग बराबर तैयार हो जाइए, आपके कुछ नया करने के जोखम में। कन्या राशि वालों के लिए अच्छा समय नहीं है, जोखम होगा, पीछे रह जाओगे। और वैसे तो कन्या राशि वाले इतने साहसिक होते हैं कि उनको जोखम उठाना अच्छा लगता है, पर इस समय अनुभव करने का, शांति से पसार करने का समय है। अभी अच्छा परिणाम नहीं होगा, अभी जो आप टाइम दे रहे हो उनका आगे जाके शुभ परिणाम मिलेगा। अपने जीवन को पूर्णता के साथ में जिए, आपकी आत्मविश्वास, जैसे जैसे ठोकर खाएंगे आपको पूरी तरह से विशेष लाभ होगा, विशेष 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 लाभ होगा। साथ साथ में अपने आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। घर से लेकर दफ्तर तक आपको नोटिस किया जाएगा, सबके सबके फोकस में, सबके केंद्र स्थान के अंदर आप होंगे। तो पूरी तरह से आप लोग, खास करके व्यावसायिक नहीं, व्यक्तिगत जीवन में भी आपके ये परीक्षा की कटोरी में उत्साह की अभिवृद्धि होगी। रिश्तों में मधुरता, कामकाज कम रहेगा तो आप घर पे ही रहोगे तो रिश्तों में, पारिवारिक जीवन में बहुत बहुत मधुरता आएगी। श्रीयंत्र की स्थापना करें, करीबन धनतेरस से लेकर ये वसंत पंचमी को भी हम लोग, कुछ परिवारों का जो हमारे पास आया है बुकिंग, श्रीयंत्र एक ऐसी साधना, लक्ष्मी साधना है कि सटासट 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 रखते 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 ऐसी प्रगति होती है, ऐसी लक्ष्मी आकर्षण विधान होता है। तो बुधवार के दिन श्रीयंत्र की स्थापना करें, भक्तामर की 26वीं गाथा का पाठ करें और अद्भुत परिणाम प्राप्त करें। वृश्चिक राशि, खास करके ये जो थर्ड हाउस में वक्री जो हो रहा है, आपके काम और रचनात्मक बहुत तारीफें मिलने वाली है, बहुत सम्मान मिलने वाला है। साथ साथ में थोड़ा सा जोखिम भी उठाना पड़ सकता है, नकारात्मक सोच को आप दूर करें, व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करने का एक अच्छा समय है। आप अपना कुछ लॉन्च करना चाहते हो तो आपका सुपर 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 प्रगति होगा। अपने आप को अपडेट करते रहिए, किसी न किसी न किसी न रूप से आपको जब अपडेट करते हो तो सब कुछ आप आदर्श समय 2022, तो मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए बोलूंगा एक सुपर आदर्श समय है। समय के साथ प्रगति करोगे, समय के साथ पैसा कमाओगे। और एक बात कह दूं कि थोड़ा सा आराम ज्यादा कीजिए, क्योंकि बहुत काम, बहुत लंबी सफर खेलनी है। तो खान पान के साथ साथ में विश्राम का भी, सोने का भी बराबर ध्यान रखिए, क्योंकि इस पूरी तरह से यदि सोने में ध्यान सावधानी नहीं रखी तो आपकी आर्थिक स्थिति डामाडोल होगी। क्या करेंगे आप सभी लोग, क्योंकि रोज आपको खास करके सहस्त्र नाम स्तोत्र 108 जो नाम है उस नाम की आराधना, अर्चना, परमात्मा के 108 नाम का पूजन करना है, जाप आराधना करनी है।
धनु राशि वाले जातक, अंतिम तीन राशि बाकी है, मकर राशि का तो हमने पहले ही ले लिया। धनु, कुंभ और मकर सभी लोग लिख रहे हैं। रवि जी, तुला राशि, बहुत बढ़िया। धनु राशि वाले, अपने प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ में संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। वित्त से सावधान, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो, किसी को उछीना दे रहे हो, सोच कर समझ कर आर्थिक नुकसान का समय है। अपने वित्त ड्राइविंग पहिया को महत्वपूर्ण है, तो खास करके फास्ट इजी मनी आपकी लाइफ में नुकसान लाएगा। कार्य क्षेत्र में असंतुष्ट होंगे, बॉस आपसे नाराज हो जाएंगे, नौकरी छूट सकती है, दूसरी जगह पे ट्रांसफर, ऐसी नहीं चाहो उस जगह पे ट्रांसफर आपकी जा सकती है। स्वस्थता के माहौल में मध्यम से रहेगा, परिवार का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा, रोमांटिक जीवन रहेगा। क्या करेंगे, कोई भी गरीब आपको दिखे, कोई भी जरूरतमंद बहन भाई दिखे, लेडीज दिखे, तो उनको सुहाग का, पद्मावती माता का पूरा श्रृंगार, चुंदड़ी है, कंगन है, छोटी छोटी बच्चियों का, तो कि उसको आप जितना ज्यादा से ज्यादा दान देंगे तो उसका विशेष 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 लाभ होगा। गिरीश जी शाह ने लिखा है कुंभ राशि, तो कुंभ राशि ही का ही आ रहा है। क्या करेंगे, क्योंकि तो नहाने के पानी के अंदर खास करके एक बूंद घी और गुड़, आप यदि चाहते हो कि आपका मन अध्यात्म के प्रति झुकाव बढ़ता रहे, जितने भी कुंभ राशि, गिरीश भाई जैसे जितने भी कुंभ राशि वाले हैं, तो उनके लिए ये अद्भुत स्थान, महा उपाय कुंभ राशि वालों के लिए। आप भीड़ से अलग अपनी पहचान में यकीन रखते हैं, शायद यही समय है कि आप खुद के लिए कुछ समय बनाएं, अपनी भीतर की भावनाओं को बाहर निकालें, बहुत आपको लाभ होने वाला है। और स्वास्थ्य संतान को लेकर आपकी तबीयत में थोड़ा सा प्रॉब्लम, ये जो मैंने घी और गुड़ डालकर के स्नान बोला है, एक मुखी रुद्राक्ष पहनने का जो बोला है, खास करके आपको संतान के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम, चिंता बढ़ेगी। प्रेम जीवन के अंदर, पारिवारिक जीवन में मध्यम जीवन रहेगा, पिता के साथ मतभेद होगा, और जहां काम कर रहे हैं वहां का स्टाफ आपको बिल्कुल सहयोग नहीं। ये कुंडली, ये सारी एडवांस में हम क्यों बता रहे हैं, क्यों सभी लोगों को बोल रहे हैं, जितने लोग कमेंट कर रहे हैं, जितने लोग भी लोग सक्षम हैं, अपना भविष्य, ये ज्योतिष आपके आगे का पूरा फ्यूचर बताता है। आप सीधा शांति से जाकर के ऑफिस में धमाधम 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 कर देंगे, सेठ बोलेंगे कल से आना मत, कि जो बरसों की आपकी क्रेडिट है वो क्रेडिट जीरो हो जाएगी। तो हर महीने, हर छह महीने, हर साल में हम हमारा पूरा बॉडी चेकअप कराते हैं, उसी प्रकार से आपको भी पूरी तरह से आपको अपने राशि फल जो है 2022 में मेरा क्या क्या होने वाला है, आप हमारे पास करा सकते हो, आप आपके गुरुजनों के पास करा सकते हो, लेकिन एक आपको आइडिया आ जाए, इससे आप बहुत 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 बच सकते हो। जैन अनुष्ठान ने एक ऐसी अद्भुत जन्म कुंडली का निर्माण किया है जो प्रत्येक जैन भाई बहनों को, प्रत्येक हिंदू भाई बहनों को घर घर तक भेजेगा, क्योंकि आपका समय बहुत बड़ा अनमोल है। योग्य दिशा में आप मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो सुबह में गाड़ी बाइक लेकर ऑफिस जाएंगे, शाम को आएंगे, कभी ग्रोथ नहीं होने वाली है। तो बुधवार के दिन स्नान करने के पानी में गुड़ और दही का खास करके पूरी तरह से एकदम एक बूंद जो है वो घी डालना है, और एक छोटा सा ये औषधि स्नान है। पहले के राजा महाराजाओं औषधि स्नान से अपने बॉडी को ऐसे पावरफुल करते, अरोमा थेरेपी जिसको बोलते हैं। तो खास करके मंदिर में आप जाते हो तो घी का दीपक चल रहा है, उसमें थोड़ा सा घी चढ़ाइए, मंदिर में अन्हारी पूजा, नैवेद्य पूजा में गुड़ चढ़ाइए। और आखिरी राशि मीन राशि, आपकी खास करके प्रोफेशनल लाइफ में कोई उतार चढ़ाव नहीं। बिजनेस संबंधी जो आप मध्यम जाएंगे, पारिवारिक जीवन के अंदर थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, कामकाज के मामलों में सामान्य रहेगा, और आप यदि कोई भी अलग जगह पे नौकरी करने का प्लान कर रहे हैं, जॉब चेंज करना है, तो उसके लिए बहुत सुमधुर समय है। आप आराम से आपको प्रमोशन, अच्छी जॉब, अच्छी सफलता, अच्छा आनंद, क्योंकि आपकी मेहनत जो है, जो आपकी लगन है, उसका सिलसिला ही पदोन्नति है। ऐसी प्रगति होगी आपकी कि आप खुद कल्पना नहीं कर पाएंगे। तो आप कोई अलग अलग कंपनियों में से आपको इनविटेशन आया है कि आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए, तो अवश्य मैं
इस समय आपकी योग्य पत्रिका दिखा करके आप आगे बढ़ सकते हो। और सबसे बड़ा प्रश्न, एवरीडे जो हम अनमेरिड लोगों की जो पत्रिका देखते हैं, मीन राशि वाले सभी जातकों को अगले एक महीने में खास करके मंत्र जाप आराधना साधना से नए मैरिज आदि कार्य में प्रगति होगी। मैरिज होने का, विवाह का, अविवाह जितने भी लोग हैं जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है, वो सभी लोग शादी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा जीवन साथी मिलेगा, और पूरी कोशिश करें कि आप मंदिर जी के अंदर कहीं पर सिद्ध चक्र पूजन हो रहा है, कहीं पर कोई अच्छा पूजन हो रहा है, मूंग का दान करें, मूंग का सेवन करें, आई मीन खाते में मूंग दें, और ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री विमलनाथ स्वामी ने नमः। ये मंत्र की ज्यादा से ज्यादा आराधना साधना करते करते हमारी कुंडलिनी के सारे ग्रहों को अनुकरण करें, हमारे कुंडलिनी के सारे ग्रहों को शांत करें, हमारे ग्रहों का शुभत्व ऊर्जा को ग्रहण करें, और ये सारी चीजें करते 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 आप खास करके अपने जीवन में बहुत सारे लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन नहीं होगा, पैसा आएगा, पैसा जाएगा, तबीयत अच्छी रहेगी, ये होगा, ये होगा, आप सीधा जैन अनुष्ठान ज्वाइन कर दीजिए। सामूहिक ऊर्जा के अंदर करीबन हम 500 कपल के साथ में एवरी डे पूजा कराने वाले हो। आप 50 लाख रुपया का खर्चा करके भी ये पूजन अपने जीवन काल में नहीं करा सकते हो, तो ये स्वर्णिम अवसर आपके पास आया हुआ है। जैन अनुष्ठान पेज को खास करके लाइक कर दीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके आसपास इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उन सभी को जैन अनुष्ठान के साथ में जोड़ दीजिए। आपका मंदिर का फोटो है वो भेज दीजिए, आपके पास क्या क्या एनर्जी है, आपके मन में लंबे समय से जो जो भी प्रश्न सता रहे, जिसका मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, वो खास करके आप सभी इन नंबरों के ऊपर भेजते हुए आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो। लेकिन एक मंत्र 14 तारीख से आपको खास करना है, वो मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री विमलनाथ स्वामी ने नमः। ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री विमलनाथ स्वामी ने नमः। मैक्सिमम मैक्सिमम रोज विमलनाथ भगवान उठते ही भाव पूजा करो, क्योंकि रोज तो सब लोग पूरी दुनिया में, कोई बलसाना में नहीं रहते हैं, आपके गांव में है तो उसकी पूजा करो, नहीं तो भाव पूजा करते करते ये बुध ग्रह की सुपर एनर्जी प्राप्त करके व्यापार में मिठा, व्यापार में प्रगति, वाणी में मिठास, मधुर संबंध करके इच्छित फल को प्राप्त करो। यही भावधारा के साथ कल वापस सूर्य के उपासना। तो आज आपके मन में जो जो भी सवाल है वो सारे कमेंट में डाल देना, कल बहुत सारे सवाल को हम लेंगे। कैसे कोर्ट कचहरी से बचा जा सकता है, कैसे हेल्थ के प्रॉब्लम जो है वो सोल्व कर सकते हैं, सूर्य उपासना, सूर्य ग्रह की साधना के बारे में कल जानेंगे। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार।